हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी एमजोन कोर ऑटो स्कैन डेटा। तो गाइस, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ ऑटो स्कैन डेटा क्या है हमारे सैमसंग के फ़ोन में, जो पहले से ही रहता है, मौजूद रहता है हमारे फ़ोन में, हर किसी के फ़ोन में रहता है ऑटो स्कैन डेटा का, ऑटो स्कैनिंग का। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऑटो स्कैनिंग का यूज़ कर सकते हो या उसके क्या फ़ायदा या नुकसान है वो भी आपको बताऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। एंड गाइस, मैं चलता हूँ आपको बताता हूँ कि ऑटो स्कैन क्या है। सिंपली गाइस, मैं अपर सेटिंग पे आ जाता हूँ। सेटिंग पे आना होगा गाइस आपको। सेटिंग पे आने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, नीचे स्क्रॉल करोगे सेटिंग में आने के बाद। सिंपली गाइस, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली गाइस, अकाउंट्स का ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। सिंपली गाइस, दो ऑप्शन मिलते हैं। सिंपली यहाँ पर अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक करना होगा गाइस। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आपको नीचे में मिलता है ऑटो स्कैन डेटा का। तो सिंपली गाइस, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ ये ऑटो स्कैन डेटा क्या है। ऑटो स्कैन डेटा गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर गूगल अकाउंट्स, यहाँ पर डुओ एंड मीट एप्लीकेशन एंड व्हाट्सअप एप्लीकेशन है। तो सिंपली गाइस, मैं व्हाट्सअप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो स्कैन अकाउंट पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स का एक ऑप्शन है जो टिक लगा हुआ है। सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो स्कैन नाउ। सिंपली गाइस, स्कैन नाउ पे जैसे क्लिक करते हो तो हमारा व्हाट्सअप का जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट्स जो आप लोग कॉन्टैक्ट्स चैटिंग करते हो, वो स्कैन हो जाता है और सेव हो जाता है हमारे ऑटो डेटा इसमें। ठीक है, यहाँ पर ऑटो स्कैन डेटा में आपको हमारा सेव हो जाता है गूगल के उस फोल्डर में, जो कि आपके फ़ोन में अगर कुछ डिलीट हो जाता है या फिर आप व्हाट्सएप को डिलीट करते हो, फिर से आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद जो हमारे ग्रुप्स वगैरह है वो वापस हमें मिल जाता है। तो इसी तरीके का गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गूगल का ऑप्शन है। तो यही है मतलब गाइस इसका, ऑटो स्कैन डेटा का। ये आपके फ़ोन में ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना, जिससे कि हमारे फ़ोन का जो भी डेटा है, यहाँ पर व्हाट्सअप, यहाँ पर गूगल अकाउंट्स का, जैसे मैं गूगल अकाउंट्स पर क्लिक करता हूँ गाइस, यहाँ पर स्कैन अकाउंट पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर कैलेंडर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव, जीमेल, यहाँ पर टीवी वगैरह बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। सिंपली गाइस, इसको भी आप स्कैन कर सकते हो अब अपने आके यहाँ पर ऑप्शन को ऑन करके। एंड आपको ये बार बार स्कैन नहीं करना है तो आप लोग सिंपली गाइस यहाँ पर ऑटो स्कैन डेटा को क्लिक कर देना होगा, ऑन कर देना होगा, जिससे कि आपका ऑटो स्कैन हमेशा रन करते रहेगा बैकग्राउंड में, जिससे कि आपका जो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर जीमेल का जो कॉन्टैक्ट आप लोग सेव कर किए रहते हो, वो डिलीट नहीं होगा कभी भी। एंड व्हाट्सअप का जो कॉन्टैक्ट वगैरह, जो आपके पास ग्रुप्स वगैरह बनते हैं आपके व्हाट्सअप में, वो आपका कभी भी डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से इसको डिलीट नहीं करोगे। ये गाइस आपको बता दिया कि क्या चीज़ है यहाँ पर से। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।